बैठे हैं हनुमानगढ़ के राज्य अधिकार बाल संरक्षण आयोग के सदस्य अर्जुन बागड़ी जी के पास। अर्जुन बागड़ी जी ने अभी एक बड़ा अच्छा प्रयास किया है, उन्होंने शराब माफिया, सट्टा माफिया और जो जुआ माफिया और जो बाल वाहिनियाँ हैं उनको लेकर एक सफलतम प्रयास का आरंभ किया है उन्होंने, और प्रयास किया है और आगे भी इनका प्रयास जारी रहेगा जैसा कि इन्होंने हमें बताया। और अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो ये जो इनका प्रयास है ये कब तक जारी रहेगा। तो अर्जुन गांधी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो सबसे ज़्यादा मतलब सट्टा और जुआ और शराब जो माफिया हावी है जिससे युवा वर्ग बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, तो जो आपने एक प्रयास किया ये कब तक जारी रहेगा? ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक ये शराब की, जुए की, सट्टे की एक एक दुकान एक एक बंद नहीं करवा दें। आम नागरिक, आम जनता का सहयोग और आप जैसे पत्रकार भाइयों का और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सहयोग से हम एक एक दुकान और एक एक ऐसी गतिविधि, एक एक ऐसे नशे की बिक्री पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये मैं जनता से वादा करता हूँ कि जब तक ये एकदम ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं अपने चैन चैन रहूँगा। नहीं, होता ये है, बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन उन आंदोलन को एक बार किया जाता है उसके बाद वैसे डाक के तीन पात की तरह होता है, बाद में ना तो मतलब वो भी चुप हो जाते हैं और ये शराब माफिया फिर हावी हो जाते हैं। तो कहीं आप ही थोड़े समय के लिए चल गए और फिर रुक तो नहीं जाओ? तो किसी भी आंदोलन की शुरुआत होती है वो एक व्यक्ति से होती है, फिर उस व्यक्ति के साथ में व्यक्ति जुड़ते हैं और फिर उसको एक बड़ा रूप दिया जाता है। ठीक, आज मैंने प्रयास किया, मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोगों के सुझाव आ रहे हैं, बहुत सी जन संस्थाएँ आ रही हैं जो इस बारे में मेरे से बात कर रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि मैं रुकूंगा, मैं थकूंगा या मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है, ठीक है, कुछ लोग इसकी शुरुआत करते हैं, हमने भी देखा है, पर जब तक आम जन का सहयोग नहीं मिलेगा इस आंदोलन में तब तक इस आंदोलन को एक मतलब जो अपन चाह रहे हैं जिस हिसाब से अपन चाह रहे हैं इसको एक इस आंदोलन को एक सफलतम बिल्कुल इसको पूरा करके जो हमने निश्चय लिया है उसको पूरा करें, तो ये बिना आमजन के सहयोग के नहीं हो सकता। तो मेरी सब आमजन से अपील है कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को देखें या लगे कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में प्रशासन को या हम मुझे या इस किसी भी जनप्रतिनिधि को वो सूचित करें। और आज नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, आप एक ट्विटर देखो, आप ट्वीट करो, रेल मंत्री को ट्वीट करो, आपको तुरंत आपकी समस्या का समाधान होगा। मैंने बहुत से लोग मिले हैं मेरे को जो कहते हैं कि यार मैंने ना इसी करके ट्वीट किया और मेरी समस्या का समाधान हुआ। तो लोग ये भी एक जागरूकता है कि उन लोगों को बताएं, ठीक है, जैसे अपन पत्र डालें, आज मोदी जी हैं या वसुंधरा जी हैं, मोदी जी का तो आपने सुना भी होगा कि किसी बच्ची ने पत्र भेजा और उसके ऊपर भी उन्होंने गौर किया। जैसा आपने प्रशासन को भी कहा, पुलिस को भी अवगत करवाया इस मामले में, अगर प्रशासन या पुलिस का रवैया ढिलमिल तरीके से रहा या वो कार्रवाई करने में कामयाब नहीं रहे तो आपका आगे का कदम क्या है? देखो, किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं, पर जब शुरुआत की जाती है तो उसको एक अच्छे पहले सबसे प्रयास ये किया जाता है कि यार हम इसको आराम से करें। मैं कलेक्टर साहब से मिला हूँ, कलेक्टर साहब ने आबकारी अधिकारी जी से बात की और इनसे SP साहब से बात की, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि 7-8-10 दिन के अंदर हम इन गतिविधियों पर रोक लगाएंगे, तब तक का इनके पास समय है। उसके बाद में मैं खुद आयोग का सदस्य होने के नाते, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों के अधिकार भी हैं, उनका भी हनन होगा। आज कोई शराब की दुकान कहीं भी खोल दी, उसके पास में स्कूल है, उसमें जब बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, वो परेशान होते हैं, देखते हैं कि शराब भी खड़े हैं, तो कुछ लोग अपनी बच्चियों को जाने भी नहीं देते कि आप तो स्कूल जाना बंद कर दिया। कुछ ऐसी भी शिकायतें मेरे पास आई हैं, उन्होंने मेरे से कहा है, तभी मैंने इस विषय को लिया। मैंने कहा यार ठीक है, भी बाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो काफ़ी कुछ किया, RTV भी दी है, पॉक्सो एक्ट भी बनाया है, JJ भी बनाया है, जिसके अंदर बच्चों के अधिकार है, पर ये भी एक उनका सुरक्षा का अधिकार। मेरे को लगा कि यार ये जब ये हो रहा है तो क्यों ना इस पर भी हम आवाज़ उठाएं। अब शहर में इन शराब माफियों की वजह से, या फिर अवैध शराब बिक्री के लिए, या फिर जुआ सट्टा के लिए, इसकी वजह से हर रोज मतलब मामले बढ़ते जा रहे हैं, चोरी के, डकैती के, कल भी मामले हुए थे, पहले भी मामले हुए हैं, तो मतलब ये अपने क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके इस पे आपका क्या कहना है, मतलब ये मामले इसी वजह से बढ़ गए? देखिए, मैंने भी जब ये देखा कि हमारा हनुमानगढ़ पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, अपराधी घटनाएं हर जगह होती है, थोड़ी होती है, पर आप देखो ना, आपकी हाउसिंग बोर्ड, कभी हाउसिंग बोर्ड में एक इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं वकील लोग मिलके, अभी एक जंक्शन की मेन बाज़ार बस स्टैंड पे मोबाइल की शॉप लूट ली गई,
पहले उससे पहले भी एक टाउन में, उससे पहले गोल्ड ज्वेलरी में भी हुए, दो तीन जो दिन दाड़े हुए, दिन दाड़े हमले हो रहे हैं इनका। मुझे जो व्यक्तिगत लगता है कि जो ये शराब और इस प्रकार के जो नशे की खुली बिक्री हो रही है उसमें उसका बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि अपराध नहीं बढ़ेगा जहाँ पे ये चीज़ें होंगी। अगर आज जमीन पे हम कुछ लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इस अपराध का भी ग्राफ धीरे धीरे गिरेगा। आज जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है इसमें इसमें का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, जो ये शराब बिक रही है, क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल अपनों को, अब 8 बजे जब 8 बजे का टाइम है सरकार का कि आप 8 बजे ठेके बंद करें, उसके बाद नियमित बिक्री चलती। मनन जी भी आए थे आपके आयोग के अध्यक्ष, मनन जी भी आए थे, उन्होंने भी बाल वाहिनियों को लेकर जबरदस्त लताड़ लगाई थी और कहा गया था भी बाल वाहिनियों के आप जो भी ये खटारा बाल वाहिनियाँ हैं या फिर जो बच्चे बाल वाहिनियाँ चला रहे हैं या बिना नियम कायदे कानून के बाल वाहिनियाँ चला रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ हो। लेकिन मनन जी के आने के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वही मतलब धार के 3 पाँच वाली बात, तो आपने उसके बाद एक साहसिक कदम आपने उठाया। ये कदम बहुत साहसिक है क्योंकि बच्चे जो है हमारे भविष्य हैं और बच्चों के लिए ये कदम बहुत अच्छा है। अब इस कदम को आप कितना निरंतर जारी रखेंगे ताकि जो अपने जो बच्चों के भविष्य के साथ जो जान के साथ उनके साथ खिलवाड़ होगा वो कब खत्म होगा? देखिए माननीय मनन जी आई, मनन जी ने भी ये चीज़ देखी, ठीक है, राज्य सरकार ने ये चीज़ देखी और उससे पहले जब ये कोई भी एक्ट बनते हैं या कोई भी रूल्स एंड गाइडलाइंस बनती हैं तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत ही पहले इन चीज़ों के दुष्परिणाम देकर सपोर्ट करके तभी उन्होंने उनके लिए 22 नियम बनाए, ठीक है। जब किसी शिक्षण संस्थान को ऐसी मान्यताएं दी गई तो उससे पहले उनको भी पता है कि हमारे को 22 नियम फॉलो करने हैं। आज बहुत सी घटनाएं हो रही हैं बागवानियों में, जब हम देखते हैं कि जो ड्राइवर था वो नशे में था, जो ड्राइवर था वो टीचर था, भी भरतपुर में घटना हुई, इससे पहले हमारे गोलूवाड़ा में बहुत बड़ा कांड हुआ जिसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ। घटनाएँ हो भी रही हैं, घटनाएँ होती भी रहेंगी जब तक हम या हमारा कोई प्रयास जारी नहीं रहेगा, घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन इस घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए अब आपने एक कदम उठा दिया, आपने प्रशासन की बैठक ली, उन्हें इस चीज़ के लिए पाबंद किया कि आप इन पे कार्रवाइयाँ के, अब अगर प्रशासन इन पे कार्रवाइयाँ करने में फिर भी सक्षम नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा, ये हमारा सवाल है। मैंने जब प्रशासनिक अधिकारी में मीटिंग ली थी, क्योंकि राज्य सरकार के भी आदेश हैं हमारे को, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश हैं कि जो ये बालवानियों घटनाएं उनको रोको और हमारा आयोग का काम उस पर मॉनिटरिंग करना है। हमारे आयोग के जो अध्यक्ष मनन जी, उन्होंने फिर एक सबको एक टीम बनाई और हम सबको ये कहा कि अपन पूरे राजस्थान में इस अभियान को चलाएंगे और इस अभियान की शुरुआत मैंने अपने गृह जिले से स्टार्ट की। कि जब मैं अपने कोई भी काम करेंगे, जब अपने अपने गृह क्षेत्र से या अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो उसको अच्छा परिणाम उसका आगे अच्छा आएगा। मैंने प्रशासन को 20 दिन का समय दिया था जिसके अंदर, ठीक है, इनको इन्होंने स्कूल में कैंप भी लगाए हैं, मैंने देखा है कि इन्होंने यातायात विभाग ने, शिक्षा विभाग ने स्कूलों के अंदर कैंपेन भी चलाई है, कई जगह पे जैसे मैं जाता हूँ तो कई जगह बैरिकेड्स लगाए हैं, ठीक है, काम होना स्टार्ट हो गया है। बट मैंने 15 या 20 दिन का टाइम इनको दिया हुआ है, उस 20 दिन के टाइम के बाद में, ठीक है, मैं खुद आयोग का सदस्य होने के नाते सड़क पे खड़ा हूँगा और यातायात अधिकारियों के साथ में खड़ा होकर इनके चालान काटूंगा, उसमें किसी प्रकार की भी अगर हमें कमी पाई गई तो किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा और तुरंत प्रभाव से जो भी उनके चालान कटेंगे और उनको सीज किया जाएगा। क्या आपके आयोग में ऐसा भी एक सिस्टम है जैसे मान लो कोई अधिकारी आयोग की बात को या आयोग के सदस्य की बात को अनसुना कर रहा है तो क्या उसकी मॉनिटरिंग CM तक या वहाँ तक पहुँचाई जाती है, क्या उनकी इस प्रकार की रिपोर्ट पहुँचाई जाती है? आपको पता है कि आयोग खुद में, आयोग जो होता है वो एक खुद एक डिसीजन लेने की उनके पास में पावर होती है। अगर आज हमारे को लगता है कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा या हमारे साथ वो नहीं कर रहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए हैं हमारे को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ शक्तियाँ मिली हैं जिनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ अर्जुन बागड़ी जी। जो अर्जुन बागड़ी जी थे इन्होंने अपनी बातें जो है वो एकदम खुल के बताई और इन्होंने अपने जो विचार हैं वो सामने रख दिए भी ये ना तो थकेंगे ना हारेंगे, जब तक ये इस विभाग के आयोग के सदस्य हैं तब तक ये संघर्ष करते रहेंगे और इनका जो इरादे हैं वो नेक नज़र आ रहे हैं। हनुमानगढ़ से A1 TV की रिपोर्ट, कुलदीप शर्मा।